Yes, good morning class. Again, we will start our class with this pledge. I, Kulwinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So we were doing first chapter, Rise of Christianity. We have already seen Gospels of Matthew, Mark, Luke and John performed a very good performance to spread the messages of Christianity. Now we'll continue from here. His disciples traveled far and wide to spread his message and teachings. After the crucifixion of Jesus, ठीक है, his disciples, इसके जो disciples थे वो बहुत दूर दूर तक जाते थे क्या करने, इनके इनकी teachings, इनके messages को लोगों तक पहुँचाने के लिए. Notable among them are the works of Peter and Paul. Simon Peter, also known as Saint Peter, was one of the apostles of Jesus. तो क्या है कि नोट करने वाली परफॉर्मेंस थी इन द स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, किसकी, पीटर की एंड पॉल की. पीटर ने और पॉल ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, नोटेबल वर्क था. साइमन पीटर था, ऑल्सो नोन एज, इसका इसको सेंट पीटर, सेंट पीटर के नेम से भी बोलते हैं, वॉज वन ऑफ द अपोस्टल ऑफ जीसस. जे भी एक जीसस का अपोस्टल था. अपोस्टल क्या थे, फॉलोअर्स ऑफ जीसस. अपोस्टल क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आर प्रीवियस लेसन्स, अपोस्टल्स फॉलोअर्स ऑफ जीसस. तो सेंट पीटर क्या था, जीसस का अपोस्टल था. ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन स्प्रेडिंग जीसस टीचिंग्स. तो इन्होंने जीसस की टीचिंग को स्प्रेड किया. लेटर सेंट पॉल, अ डिसिपल ऑफ जीसस, कंटिन्यूड द ट्रेडिशन एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द रोमन एम्पायर एंड बिल्ट मैनी चर्चेस. इसके बाद सेंट पॉल ने क्या किया, जो जीसस का डिसिपल था, उसने क्या किया कि अपने रोमन एम्पायर के अंदर जगह जगह वो घूमा एंड उसने अपने जीसस के जो टीचिंग्स है उसकी चर्च एस्टेब्लिश की, चर्च बनाई. द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट बेस्ड ऑन लव, फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस अट्रैक्टेड मैनी ज्यूज इन पैलेस्टाइन. तो जो क्राइस्ट रिलीजन की टीचिंग्स थी उसमें क्या था, प्यार, फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना किसी को, काइंडनेस, दयालुता, मीन्स अच्छे बनकर रहना दूसरों के लिए. इसने क्या किया, पैलेस्टाइन के जो ज्यूज लोग थे उनको बहुत अट्रैक्ट किया. उन मतलब ज्यूज थे जो पैलेस्टाइन में रहने वाले, उनको ये टीचिंग बड़ी अच्छी लगी. हु अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया. नेवर्थलेस फॉर अ फ्यू centuries after the establishment of Christianity, Christians continued to be a minority within the Roman Empire. They were brutally oppressed and persecuted for their religious beliefs. तो क्या था कि ठीक है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो सेंचुरीज चलती रही, बहुत लंबा टाइम चलती रही, ठीक है. तो फिर बट जो क्रिश्चियन लोग थे, जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, दे वर ब्रूटली ऑप्रेस्ड. ब्रूटली ऑप्रेस्ड मीन्स वायलेंट वे के साथ इसका मतलब अगेंस्ट थे लोग. एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर देयर रिलीजियस बिलीव्स, और इनको इनके रिलीजियस बिलीव्स के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता था, मीन्स इनके साथ गलत किया जाता था इनके रिलीजियस बिलीव्स के लिए, और इनको वायलेंट वे से, गलत तरीके के साथ इनका विरोध किया जाता था. नेक्स्ट है एम्परर कॉन्स्टेंटाइन एंड क्रिश्चियनिटी. द स्टेटस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर चेंज ड्रामेटिकली इन द 4th सेंचुरी व्हेन
कॉन्स्टेंटाइन बिकेम द रोमन एम्पायर. बोलते हैं कि जब रोमन रोमन में जो कॉन्स्टेंटाइन है, ठीक है, वो द स्टेटस ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर चेंज ड्रामेटिकली. तो रोमन एम्पायर ने जो क्रिश्चियनिटी का स्टेटस था उसमें ड्रामेटिकली चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया. कब? 4th century में. जब क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन रोम का एम्परर बना. जब रोम का रोमन का कॉन्स्टेंटाइन जो है एम्परर बना, उस टाइम में क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी थी उसके उसमें ड्रामेटिकली उसमें बहुत से चेंजेस आए 4th century में. ही डिफीटेड राइवल मैक्सटियस इन अ सीरीज ऑफ सिविल वार्स. तो क्या हुआ, इसने क्या किया, सिविल वार्स में मैक्सटियस को हरा दिया कॉन्स्टेंटाइन ने. कॉन्स्टेंटाइन एट्रीब्यूटेड हिज विक्ट्री टू द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस. जो कॉन्स्टेंटाइन है वो अपनी जो विक्ट्री हुई, इसकी जो जीत हुई, वो क्या मानता है कि वो जीसस की ब्लेसिंग थी. इन अ लैंडमार्क मूव एम्परर कॉन्स्टाइन ऑफिशियली कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियन फेथ इन 312 CE. इन 312 CE ही इश्यूड द एडिक्ट ऑफ मिलान विच मेड क्रिश्चियनिटी अ लीगल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर. दस एंडेड द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस विद इन द रोमन एम्पायर. तो क्या हुआ, जो कॉन्स्टेंटाइन था ये मानता था कि जो इसने प्रसिद्धि ली है वो जीसस की ब्लेसिंग्स है इसके ऊपर. तो इसने क्या किया, इसने अपनी जो रिलीजन है इसको ऑफिशियली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट कर दिया 312 CE में. तो 313 CE में इसने एक एडिक्ट ऑफ मिलान इशू किया, विच मेड एडिक्ट ऑफ मिलान इशू करने से क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी है वो एक लीगल रिलीजन बन गया. मींस उससे परमिशन मिल गई रोमन एम्पायर में. दस इसके साथ क्या हुआ, जब लीगल रिलीजन बन गया रोमन में क्रिश्चियनिटी, तो क्या हुआ, जो क्रिश्चियन लोग हैं रोमन एम्पायर में उसका जो प्रोसिक्यूशन है, विरोध हो रहा था, उसका एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया. कॉन्स्टेंटाइन यूनिफाइंड बोथ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर अंडर हिज अनडिस्प्यूटेड रूल. ही ऑल्सो शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम रोम टू बेजनीटियम एंड रीनेम्ड इट एज कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटाइन बिल्ट मैनी चर्चेज एंड मोनेस्ट्रीज. मॉन्क्स ट्रैवल्ड फार एंड वाइड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्राइस्ट. तो क्या है कि जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने क्या किया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर को भी इकट्ठे कर दिया. उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो अपनी कैपिटल थी रोम, उसको रोम से बदल कर बेंजेंटियम में चेंज कर दिया. अब उसकी कैपिटल रोम नहीं रही, बेंजेंटियम बना ली उसने अपनी कैपिटल. तो जो बेंजेंटियम थी इसका ही बाद में नेम क्या पड़ा, कॉन्स्टेंटिनोपल. तो क्या कॉन्स्टेंटाइन ने बहुत सी चर्च मोनेस्ट्रीज बनाई. तो उसमें क्या है, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे वो दूर दूर से आते थे क्रिश्चियनिटी के मैसेज देने के लिए. ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी स्प्रेड ओवर द होल ऑफ द यूरोप. धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी है वो सारे यूरोप में फैल गई. द बाइबल बिकेम द सेंट्रल एंड द मोस्ट सीक्रेट टेक्स्ट फॉर क्रिश्चियंस. क्रिश्चियंस के लिए जो बाइबल थी वो सबसे सीक्रेट, मतलब कि धर्म की बुक बन गई. इन 380 CE एम्परर थियोडोसियस I मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर. तो 380 में एम्परर था जिसका नेम था थियोडोसियस, उसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया रोमन एम्पायर का. रोमन के लिए एक ऑफिशियल रिलीजन बन गया. ओवर द ईयर्स क्रिश्चियनिटी बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. अ क्लास ऑफ बिशप्स एंड प्रीस्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग विद इन द चर्च. द चर्च वॉज
The church was the prayer hall and center of congregation of the believers of Christianity. St. Peter's Church in Rome was announced as a religious headquarter of Christians. The bishops of this church was elevated to the position of Pope, the spiritual head of the Christian across the world. Even after the fall of the Roman Empire, Christianity continued to spread extensively across Europe. तो क्या हुआ, कुछ ही सालों में जो Christianity है उसके institutes बन गए और organizations बन गई. एक bishops की class, priest की जो leaders थे क्रिश्चियनिटी के, उन्होंने चर्च में फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी, काम करने स्टार्ट कर दिए. द चर्च वॉज द प्रेयर हॉल एंड सेंटर फॉर कॉन्ग्रीगेशन. कॉन्ग्रीगेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजन्स वर्शिप, जहाँ लोग एक रिलीजन की वर्शिप के लिए इकट्ठे होते हैं. ऑफ द बिलीव्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर क्रिश्चियनिटी के बिलीवर्स थे जो अपने धर्म की बातें करने लगे. सेंट पीटर्स चर्च, चर्च इन रोम, रोम में सेंट पीटर चर्च अनाउंस हुई. वो क्या बन गई? सेंट पीटर्स की चर्च हेडक्वार्टर बन गई क्रिश्चियन धर्म को स्प्रेड करने वाली. इवन आफ्टर द, जब रोमन एम्पायर है ठीक है, वो ख़त्म भी हो गई, क्रिश्चियनिटी कंटिन्यू टू स्प्रेड एक्सटेंसिवली अक्रॉस यूरोप. उसके बाद भी जो क्रिश्चियनिटी थी वो रोमन में बढ़ती ही गई. दिस वॉज पार्टली ड्यू टू द चैरिटेबल वर्क डन बाय द मशीनरीज. सम ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑल्सो केम टू बी नोन एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग. द चर्चेस वॉज वेरी एक्टिव इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियन एडुकेशन. तो क्या है कि वो क्रिश्चियनिटी तो दिन ब दिन बढ़ती गई. इसका रीज़न क्या था कि क्रिश्चियनिटी लोगों ने अपने चैरिटेबल वर्क बड़े अच्छे किए थे, अपनी मशीनरीज के थ्रू अलग अलग इन्होंने अपनी सेटअप्स करके चैरिटेबल लोगों का भला करने के काम किए थे. सम ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो केम टू बी नोन एज सेंटर ऑफ लर्निंग. कुछ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे इनके लर्निंग के सेंटर बन गए. द चर्च वॉज एक्टिव इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियन एडुकेशन. जो चर्च थी वो एक्टिव ही थी अब तक भी अपनी क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन लोगों को देने के लिए. सो आवर दिस चैप्टर इज ओनली अप टू दिस मच. विद दिस, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.